our exercise is 1.1. And our first question is, write in Pakistani and international ways. First of all, I will explain you how the numbers are different in Pakistani way and international way. Now, look, यहाँ इस तरफ देखिए आप, value same है, 4, 9, 8, 6, 5, 4, 2, 3, 4, 9, 8, 6, 5, 4, 2, 3. Now, look carefully. After three numbers, I put one comma. Then after two numbers, I put one comma. Then again after two numbers, I put comma. But international way, now I will write the first value is ones, the second value is tens, the third value is 100, the fourth value is 1000, and the sixth value is 10,000. After 10,000, our value will be changed. In Pakistani way, we will call the next value lakh. After 10,000, what will come? In Pakistani way, lakh will come. And after that, the second value is called 10 lakh. Then after 10 lakh, the value will be crore. But in international way mein, first value is called ones, second is tens, third is 100, fourth is 1000, fifth 10,000, and sixth is 100,000. Aapke paas wahan se yahan se fark aa jata hai. कि वहाँ आपके पास 10,000 के बाद लाख स्टार्ट हो जाता है, जबकि यहाँ 10,000 के बाद आपके पास 100,000 आ जाता है. और यहाँ जो हम कॉमा पुट करते हैं, वो हम तीन तीन वैल्यूज का पेयर बना के पुट करते हैं. और जबकि वहाँ पहला पेयर आपका तीन का, और उसके बाद सेकंड पेयर आपका जो है वो दो दो के बाद चेंज होता है. देन 100,000 मिलियंस विल कम. आफ्टर मिलियन 10 millions, and then after 10 million, 100 million will come. Student, this is the difference of Pakistani way and international way. Now we will solve the question of exercise. Okay student, our question number 1 is write in Pakistani and international way. We have number here, and now we have to check the circle. Place value of circled number. Now this is ones, tens, 100, 1000, 10,000, and you know very well that 10,000 are both हम पाकिस्तानी में भी और इंटरनेशनल में भी 10,000 हमारे पास क्या होता है, 10,000. तो जो six है उसकी जो value है वो हमारे पास place value क्या है, 10,000 है. Okay, next question की तरफ आए. हमारे पास अब जो नंबर आ रहा है इसके अंदर इसकी वैल्यू क्या है, वंस. अगर आप पाकिस्तानी में भी देखते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख. इट्स पाकिस्तानी वैल्यू वे में इसकी वैल्यू क्या होगी, 10 लाख. और यू नो वेरी वेल अबाउट दैट कि आफ्टर 10,000 100,000 विल कम, एंड देन मिलियन स्टार्ट इंटरनेशनल वे. So its value will be million. Similarly, question number 3 की तरफ आइए. Question number 3 में हमें दिया गया है ones, tens, 100, 1000, 10,000. Now its value is 10,000. So in international way और पाकिस्तानी way में दोनों में जो है ना इसकी place value क्या होगी, 10,000 होगी. Now question number 2 की तरफ आइए. Write in numerals. न्यूमरल्स में हमने इसको लिखना है, यानी कि नंबर की फॉर्म में लिखना है. 20,60,2,044. नाउ 20 करोड़ कॉमा, देन 60 लाख कॉमा. अब यहाँ पे आप देखिए 2000 दिया हुआ, इसका मतलब 10,000 पे जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या है, जीरो है. सो वी विल राइट 2 कॉमा. एंड 100 में हमारे पास अगेन वैल्यू जीरो है, और फिर टेंस एंड वंस की वैल्यू हमने लिख दी 44. नेक्स्ट 1,60,006,700. अब आप देखिए हमें क्या दिया गया है, ये मिलियन है, इट मीन्स ये कौन सा वे है, इंटरनेशनल वे.
टेंस हमारे पास क्या है, जीरो है. ओके, रिमेनिंग पार्ट यू हैव टू डू योरसेल्फ. आपने देखना है अगर आपके पास आफ्टर 10,000 वैल्यू चेंज हो रही है, 100,000 आ रहा है तो वो इंटरनेशनल में है, और अगर आपके पास जो है वो करोड़ और लाख आ रहा है तो वो पाकिस्तानी में है. क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स फ्रॉम बोथ इन पाकिस्तानी एंड इंटरनेशनल वे. नंबर आपको ये दिया गया है, इसमें आपने पाकिस्तानी वे में भी कॉमा पुट करने और इंटरनेशनल वे में भी आपने कॉमास पुट करने हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स, एंड देन यू हैव टू राइट अबाउट द वैल्यू. अवर नंबर वॉज 5387362300. अब अगर मैं इसमें कॉमास पुट करती हूँ तो मेरे पास वंस, हंड्रेड, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लाख, टेन लाख, करोड़, टेन करोड़. दिस विल बी 53 करोड़, 87 लाख, 36,000 एंड 230. पाकिस्तानी वे में मैंने दो दो वैल्यूज के बाद कॉमा लगाया और इंटरनेशनल वे में हम तीन तीन वैल्यूज के बाद कॉमा लगा रहे हैं. नाउ वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड, मिलियन, टेन मिलियन, हंड्रेड मिलियन, 538 मिलियन, 736,000, 230. So this is the way I have solved one question for you, and rest you have to do yourself. Now question number 4, last question of this exercise. Write in expanded. Question number 4 is write in expanded form. We have number 1, stands 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore, 10 crore. It means after 100 we have comma after two two values, so it is Pakistani value. So we will write here 6 and all the values will be 0. Then we will skip the 6 and we will start from this 2, 2 lakh. Then all the values will be 0. Then we will skip the 2 lakh and then we will start from the 31 lakh. 3, we will write 3 and then all the values will be 0. Similarly, we will write the 1 and all the values will be 0. And this is called our expanded form. Okay, इसमें आप क्या करते हैं कि करोड़ लिखा और उसके बाद आपने सारी values को 0 कर दिया, then फिर आपने जो है वो लाख लिखा, देन उसके बाद सारी वैल्यूज को जीरो कर दिया, थाउजेंड्स की वैल्यूज लिखी और सारी वैल्यूज को जीरो कर दिया. दिस इज कॉल्ड योर एक्सपेंडेड फॉर्म. आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज. बाकी रिमेनिंग पार्ट्स आपका जो है वो होमवर्क है, वीडियो को